यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला ब्रहज ज्ञानां भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बना जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, एक कथानक पिछले दो दिनों से प्रवाहमान है। पवनजय और अंजना के पुत्र हनुमान की गौरव गाथा चल रही है। पूर्व भूमिका में अभी पवन और अंजना का जीवन चरित्र और उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आपने पिछले दो सत्रों में यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सुना होगा। जीवन में हम आप जहाँ पर रियलिटी में रहते हैं, ग्रंथ अपनी जगह है, प्रथमा नियोग अपनी जगह है, लेकिन हम जहाँ पर रियलिटी में रहते हैं, जहाँ पे अपन सर्वाइव करते हैं, उस सर्वाइव करते हुए स्थानों पे सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स है पति और पत्नी के बीच में, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट और बच्चों के बीच पे है। कितने घरों में जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को अपन गौर से सुनने और समझने की कोशिश करें कि अपनी न्यायोचित पुरुषार्थ से कमाई हुई कमाई का कितना बड़ा बहुभाग है जो हम सिर्फ झगड़े में व्यय कर देते हैं। माँ ने दो दो पाँच पाँच तोला सोना करके दो चार पाँच किलो सोना इकट्ठा कर लिया, हस्बैंड और वाइफ में नहीं बनी, नहीं बनने पर अदालत डिसाइड कर देती है इसको 50 लाख रुपए देना पड़ेगा, इसको 20 तोला सोना देना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें दे करके फिर उसमें सेटलमेंट होता है। कुछ सोच करके लाते हैं, वो सेटलमेंट करने के वक्त जब अपन देखते हैं लाइफ में कितने इशूज खड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, बड़ी प्रॉब्लम्स ईगो की, ईगो समझ में नहीं आता है, कोई और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। गुरुवर के पास भी इस तरीके के कई लोग आते जाते रहते हैं। आचार्य सी जी एक बार पूछ रहे थे कि बताओ जब चौके में जाते हैं और भोजन बनाते हैं तो मटेरियल से टेस्ट आता है कि मेथड से टेस्ट आता है, किस चीज़ से टेस्ट आता है? मटेरियल से, मेथड से? मटेरियल तो बड़ी भाभी के हाथ में भी वही रहता है, छोटी बहू के हाथ में भी वही रहता है, घर की मैडी के हाथ में भी वही रहता है, वही मसाले का डिब्बा रहता है, वही आटा रहता है। अगर मटेरियल से टेस्ट आता है तो फिर बात अलग है, लेकिन जितने भी समझदार लोग हैं वो सब चीज़ कहते हैं कि लाइफ में हमेशा मेथड से टेस्ट आता है। चौके के अंदर हो, चाहे आपके रेस्टोरेंट के अंदर हो, चाहे आपके घर के अंदर हो, रसोई के अंदर हो, मेथड से ही टेस्ट स्टैंड होते हैं। लेकिन हमारी ये जो भारतीय संस्कृति में हम जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं उसमें हमारी एक ऐसी सोच बन गई है कि मटेरियल चेंज होने से टेस्ट बढ़ता है। जब पति पत्नी के बीच में इस तरह की कंट्रोवर्सी दिमाग में बैठ जाती है कि मटेरियल चेंज होने पर टेस्ट बढ़ेगा, तो दोनों का दिमाग कहीं कहीं धीरे धीरे फितूर पकड़ता है। पति का अलग पकड़ता है, पत्नी को बार बार समझाता है, बोलता है, उसको अपने आप के हिसाब से अकॉर्डिंग सेट करने का प्रयास करता है। पत्नी की कम रहती है मान लीजिए, या कई बार पति की भी कम रहती है, दोनों में से किसी एक की हो सकती है, उस समय हमको ये बात सोचनी है कि मटेरियल से टेस्ट आता है कि मेथड से टेस्ट आता है।
अगर आज की भी दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों ने इस बात को बहुत गौर से सीना समझा और समझने की कोशिश करी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जीवन में किसी भी व्यक्ति की रियलिटी से इंप्रेस्ड मत होइए, उसकी संभावनाओं को देखने की कोशिश करिएगा। दाम्पत्य जीवन में दुख हैं, विचित्र प्रकार के हैं, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है कि अरेंज मैरिज वालों की लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे साइक्लोन जो हैं, तूफान जिसको कहते हैं, वो अरेंज मैरिज वालों की लाइफ में भी हैं और बहुत सारे तूफान लव मैरिज वालों की लाइफ में भी हैं। लव मैरिज वाले भी संतुष्ट हैं ऐसा नहीं है, शादी हो जाती है 6-7 महीने में सही सही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ होती है कि हम सामने वाले की रियलिटी को देख नहीं पाते, और कई बार हम रियलिटी को देखते हैं तो संभावनाओं को देख नहीं पाते। जब लव मैरिज वालों के लाइफ में इश्यूज आते हैं, जब लड़का किसी और के साथ इंगेज होता है या बेटी कहीं और जाकर के इंगेज होती है, ऑफिस में काम करने जाना है, कहा ही है स्त्री को पैसा को और पेन के ढक्कन को, तीन चीज़ों को अकेला छोड़ा और गायब। अब हम क्या करते हैं कि अपनी जवान बेटी को, जवान बहू को हमको जॉब कराना है। अब जॉब कराने के लिए चक्कर में जहाँ पे गोल्डन टाइम एक्सपेंड करता है कोई व्यक्ति, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5:30-6 बजे तक का, आप होंगे हमारे पति घर के अंदर, बाहर क्या है कि लव मैरिज करने वालों में बड़ी कंट्रोवर्सी है। बंधुओं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इश्यूज चल रहा है तो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज कर चुके हैं या फिर लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, एक बार सोचिएगा, क्योंकि हम जो चीज़ बोलते हैं उन चीज़ों में जीवन का यथार्थ दिखता है। बंधुओं, आप भी देखिएगा इस बात को कि लव मैरिज करने वालों की लाइफ में जो साइक्लोन है, उन साइक्लोन में जब बेटी बहू या फिर लड़का किसी और से अटैच हो जाता है तो फिर आपस में कमरे में जाकर के लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्यों तुमने हमारे साथ भी किया था, इसके साथ भी कर रहे हो, क्या किया था तुम्हारे साथ, हमारे साथ भी तुमने प्रेम किया था, इसके साथ भी प्रेम कर रहे हो। तब लड़की बोलती है, बड़े गौर से सुनिएगा बात को, कि तुम्हारे साथ एडिक्शन था, लव तो उसके साथ हुआ है। अब जब ऐसी बात सुनने में आती है कि तुम्हारे साथ हमने उस उम्र में एडिक्शन हो गया था तुम्हारा हमारा, और लव तो हमको अब रियलिटी में इसके साथ होता है, और फिर इस आपकी उस सोच को हवा देने के लिए जब दुनिया में ऐसी मूवी बन जाती हैं, ऐसे गाने बन जाते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, आप इसको सुनते हैं, इसको बीट करते हैं, इसमें थंबनेल लगाते हैं, इसको बार बार रिपीट में डालते हैं, अंदर एक साइकोलॉजिस्ट टेंड होती है कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ रहा जा सकता है। जब आप ऐसी साइकोलॉजी में अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं तब लाइफ में साइक्लोन पैदा होते हैं, तूफान। जिन लोगों ने लव मैरिज करी है उनको एक तो पहली बात तो लव की परिभाषा पता नहीं होगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इस बात को। एडिक्शन और लव में अंतर है। आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद जब जिंदगी के 2-5 साल निकाल लिए किसी व्यक्ति के साथ, और उसके बाद समझ में आया कि इसके साथ जीवन में कोई रस नहीं है, मटेरियल में टेस्ट है कि मेथड में टेस्ट है, काय में टेस्ट है, मेथड में टेस्ट है, तो फिर क्या करते हैं कि हमको जब जीना जीने की कला ही नहीं आती, हमको सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमको अपने साथ रहने की कला आती है, वो भी भगवान जाने कैसी आती है, लेकिन दूसरों के साथ रहने की कला तो हमको बिल्कुल भी नहीं आती। हमको अपने साथ रहने की हमने ट्रेनिंग ली है लेकिन वो भी परफेक्ट है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हम कई बार अपने साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करते हैं। वो अपने साथ क्या करते हैं, हमारा ही शरीर है, इसको भी अब्यूज़ करने पर, इस बॉडी का भी दुरुपयोग करने पर ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, या फिर हम फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हैं, तो पर भी आपको अपने साथ भी जीने का तरीका नहीं आता। दूसरे के साथ की गई हिंसा तो हिंसा है ही, जैन दर्शन में अपनी 5 इंद्रियों और मन के साथ की गई हिंसा भी हिंसा मानी जाती है। आँख का दुरुपयोग,
कान का दुरुपयोग, स्पर्शन इंद्रिय का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग, रसना का दुरुपयोग, जिस तरीके से आप अपने जीवन में करते हैं, एक बार तो पूछना पड़ेगा क्या आपको अपने साथ जीने की कला आती है कि नहीं आती। जो समझ में आया, बच्चे को 7:30 बजे 8 बजे नींद आ रही थी, लेकिन अब मूवी देखना है, अब मूवी देखना है तो क्या करें, रात के 1:30 बजे तक बच्चा आँख का दुरुपयोग कर रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी टीवी खोल करके बैठा है। जिस गेम के बारे में पता है कि इस गेम को अचीव करने के बावजूद उससे मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, रियलिटी में कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके बाद भी बच्चा 8-8, 6-6, 7-7 घंटे तक गेम्स खेल रहे हैं, क्या रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है ना? तो कैसा मान लें कि आपको अपने साथ जीने की कला आती है कि आप उसमें भी परफेक्ट नहीं है? साफ साफ दिखाई देता है कि कोई आदमी पेप्सी पीता है उसको पेट में कोलाइटिस हो जाती है, उसके बाद भी आपसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स नहीं छूट रहे हैं। जब सामने वाले की हॉस्पिटल में जाकर के हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को माउथ कैंसर हो गया है तम्बाकू खाने से, टोबैको च्युइंगम करने से, तो च्युइंग करने की आदत हमारी लाइफ में अभी भी बनी हुई है, और हम ऐसा सोचते भी हैं कि पाप तो उसके सिर में फूटा है, हम तो बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। अगर हमको हमारे साथ भी परफेक्ट तरीके से रहने की कला नहीं आती है, फिर हम दूसरे के साथ परफेक्ट तरीके से रहने की कला कैसे सीख सकते हैं? और ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो दुनिया भर के लोग इस बात को बताते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम्हें समता रखो, अब दो में झगड़ा हो रहा है तो क्या करें, बोले भैया तुम्हें थोड़ी शांत हो जाओ। अरे हमारे शांत होने से हमारा पार्टनर शांत हो जाएगा, ये कैसी पॉसिबिलिटी है? मान लीजिए हम शरीफ हो गए, मान लीजिए हम पूजा करने लगे, मान लीजिए हम मंदिर जाने लगे, मान लीजिए हम दुनिया के और भी अच्छे सत्कार करने लगे, इससे हमारे दाम्पत्य जीवन में कहां सुधार आएगा? दाम्पत्य जीवन का जो सुधार है वो आपके सुधरने से कम और आपके पार्टनर के सुधरने से ज्यादा आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। तो महाराज क्या करें, अपने पार्टनर को सुधारें? अरे इतनी ताकत है पार्टनर को सुधारने की? फिर वही क्वेश्चन तीसरी बार बोलूंगा कि मटेरियल में टेस्ट है कि मेथड में टेस्ट है? आप भी जवाब देंगे महाराज मटेरियल में कम, मेथड में ज़्यादा टेस्ट है। तो हमको कभी भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले एक बार ट्रेनिंग तो जरूर लेनी चाहिए कि एक अच्छा दंपति की क्या भूमिकाएं होती हैं। एक अच्छे साधु की खूबसूरती तो 28 मूल गुणों के पालन करने से हो जाती है, लेकिन एक अच्छे गृहस्थ की खूबसूरती कैसे बढ़ती है ये किसी को नहीं पता। हम बताने की कोशिश भी करें तो आप हवा हवाई में उड़ा देते हैं प्रवचन को, बिल्कुल आदमी ने ड्रग्स समझ लिया है। 7 को 9 बजे लगाता है और 9:15 पे सो जाता है, प्रवचन 10:30 बजे तक चलता रहता है। क्या हो रहा है? बड़े महाराज आपका तो बड़ा पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? लगाते ही सांस नींद आ जाती है, कान में लगाया और कब झपकी लगती है। अरे सोने के लिए प्रवचन दिया था क्या बिनम सागर महाराज? सोने के लिए दिया था, जागने के लिए दिया था, लेकिन लोगों ने जैसे आयोडेक्स का गलत उपयोग करते हैं, कोरेक्स का गलत उपयोग करते हैं, ऐसे कई लोग प्रवचनों का भी गलत उपयोग करते हैं। कई बार बीटन बाय हिम हो जाता है कि दूसरे को कुछ कमेंट करने के लिए, समझाने के लिए भी आप क्लिपिंग काट के चलाते हैं, ये चीज़ भी गलत है। एक्चुअल में तो प्रवचन आपके जीवन के नैतिक विकास के लिए है, और जो पौराणिक कथानक हैं वो कथानक उसमें जान डाल के ये बताते हैं कि पूर्व में भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसा होगा। इसके लिए हमको समझदार और जवाबदार होने की ज़रूरत है। दुनिया में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक पति पत्नी के बीच का, एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच का। आपका परिवार किस में फंसा है एक बार सही टिक मार करिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में जब आपको ये सुनने में मिले कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, अपनी वाइफ से कि अपने बच्चे से, अगर ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाए तो आप उसमें सही थंबनेल लगाइएगा। जिनको लगे कि मुझे अपने बच्चे से प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में लगाएं, जिसको लगे कि मुझे अपने पति से या पत्नी से प्रॉब्लम है उसमें थंबनेल लगाएं। अगला प्रवचन आपके थंबनेल लगाने पर डिपेंड करेगा। हम देखेंगे उसको, दिखाने वाले हमको लगे हुए हैं, प्रॉपर हर मैसेज हमारे पास कन्वे किया जाता है, हम देखते हैं, हम समझते हैं सब चीज़ों को, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ एक बहुत पौराणिक कथानक आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के साथ 22 वर्ष तक तो संबंध ही नहीं रखा, और 22 वर्ष के बाद
कभी उसके मन के अंदर जो भावना पैदा हुई, उस भावना में उस पति की गलती थी कि वो अंधेरी रात में पिछले रास्ते से अपनी पत्नी से मिलकर के गया और पत्नी के गर्भ में एक संतान आ गई। पवन जय और अंजना, ये दो का एक ऐसा कथानक है बंधुओं, कि जब अंजना के गर्भ में गर्भ के लक्षण परिलक्षित होने लगे तो उसकी सास और ससुर ने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। माता पिता के पास, माता पिता के उस नगर में जहाँ पर राजा महेंद्र सिंह रहते थे, वहाँ तक वो पहुँची। पहुँचने पर द्वारपाल ने जब पहली बार उसको देखा तो मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा करके पूछता है, हे माते आप कौन हैं? जब द्वारपाल ने ऐसा देखा कि आप कौन हैं, तो अंजना कुछ बोल ही नहीं पाई। अंजना बोलती कि मैं यहाँ के राजा की पुत्री हूँ। द्वारपाल पहचानने तैयार नहीं था, अंजना इतनी बदल गई थी। कई बार जीवन में इतना अवसाद होता है, जीवन में इतना स्ट्रेच होता है कि हमारा चेहरा कितना बदल जाता है, फिजिक कितनी चेंज हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। हमको लगता है कि हम उसी देह में जी रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला 2, 4, 6, 8 महीने में देखता है तो पूछता क्या थे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, जब लोग आपसे बोलेंगे यार तुम क्या थे, क्या हो गए तुम, कैसा कर लिया तुमने अपने आप को। मैंने कर नहीं लिया, स्ट्रेच ने मुझे ऐसा करा दिया। स्ट्रेच कितनी गंभीर और बड़ी चीज़ें होती हैं। आपके घरों में, आपके दिलों में किस तरीके की पल रही हैं आप जानिएगा। कथानक से अपने आप को कोरिलेट करिएगा और सुधरने और सुधारने का प्रयास करिएगा। अंजना जब द्वारपाल के सामने खड़ी होती है और खड़ी अंजना को सामने देकर के द्वारपाल पूछता है कि आप कौन, उसने कहा कि मैं राजा की पुत्री हूँ अंजना। द्वारपाल ने बहुत गौर से देखा तो उसे याद आया कि अरे वास्तव में ये अंजना ही है। जो नगर का मुख्य द्वारपाल था वो अंजना को राज दरबार के द्वारपाल के हाथ तक सौंप गया। द्वारपाल से द्वारपाल तक पहुंचने के बीच में अंजना के तीव्र पाप कर्म के उदय की हवा अगले द्वारपाल तक पहुंच गई। द्वारपाल ने अंजना को बाहर ही रोका, रोक करके राजा महेंद्र के पास जाकर के अंदर जाकर के द्वारपाल कहता है कि महाराज आपकी पुत्री आई है, वो भी दरवाजे पर खड़ी है। राजा महेंद्र ने कहा कि मेरी पुत्री वापस आई है तो उसके लिए नगर सजाया जाए, उसके लिए अच्छे ढोल ढमाके किए जाएं, अच्छे बंदर बाल लगाए जाएं, हम अपनी पुत्री का पूरे राज वैभव के साथ स्वागत करेंगे। जैसे ही द्वारपाल ने मुँह में हाथ रख करके धीरे से राज से कहा, महाराज अपराध क्षमा हो, एक बात और कहना चाहता हूँ। क्योंकि द्वारपाल है, मंत्री है, सेवक है, इनका कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी को सही रिपोर्टिंग करें। सही रिपोर्टिंग करने पर स्वामी को उस तरीके के निर्णय लेने में सहूलियत महसूस होती है। द्वारपाल ने कहा कि अंजना के बारे में ऐसा ऐसा सुना है, पूरे के पूरे नगर में इस बात की हल्ला है कि अंजना ने किसी पर पुरुष के साथ संपर्क करके और गर्भ धारण किया है, जिस कारण अंजना को उनके सास ससुर ने वहाँ से भगा दिया। राजा ने सुना तो सुनता रह गया। राजा महेंद्र को ये बात तो पता थी कि अंजना 22 वर्षों से अपने पति से नहीं मिली है। 22 वर्षों के वियोग के बारे में अंजना के पिता को बहुत अच्छे से जानकारी थी, लेकिन उस तरफ राजा का ध्यान नहीं गया। राजा का ध्यान गया कलंक के ऊपर। क्या कलंक की प्रसिद्धि है, किस बात की, इनके घर की बहू, उनके घर में कुछ हो रहा है, देखो। ये जो प्रसिद्धि अंजना की हुई थी, ये प्रसिद्धि आपके मोहल्ले में भी किसी महिला की, किसी पुरुष की होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंजना बस दोषी थी, आपके मोहल्ले में भी किसी ना किसी की ऐसी प्रसिद्धि होगी कि अरे ये तो बड़े घर की होने के बावजूद वहाँ जाते हैं, वहाँ उठते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ करते हैं। दुनिया में पैसा बाद में कमाइएगा बंधु, इज्जत पहले कमाइएगा। पति व्रता मैली भली, गले कांच की पोत,
सब सखियन में यो दिखे जो चकमक में ज्योत। स्त्री के लिए एक सद्गुण है पतिव्रता मैली बली। थोड़ा चेहरे का रंग डाउन होगा चलेगा, साड़ी हल्की होगी तो भी चलेगी, पैर में बिछिया थोड़ी टूटे होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन अगर इज्जत टूटी होगी तो अच्छे अच्छों की नहीं चलेगी। दुनिया में जितने भी ग्लैमर वाले लोग आपको टीवी सीरियल्स पे इस पे दिखाई देते हैं, इनमें से एक भी कोई रूप की रानी तो कहीं होंगी, सील की रानी एक दिखा दीजिएगा तो मान जाएंगे। जब इनकी पार्टी देखिएगा, इनकी रेवर पार्टीज देखिएगा, इनकी रेप पार्टी देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जिसको हम आइडियल समझते हैं टीवी इंस्टाग्राम में देख करके, इनकी रियलिटी लाइफ में ये कितने गिरे हुए लोग। एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है। उन सोसाइटी के लोगों से इंस्पायर होकर के, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है, उनके पास ग्लैमर है, हमारे घर की छोटी छोटी बेटियां कमरे के अंदर जा करके उस तरीके का बनने की कोशिश करती हैं। बंधुओं, आपके घर की बेटियां भी बनती होगी, आपके सामने नहीं करते होंगे तो पीठ पीछे करते होंगे। हवाओं से कौन बच सका है? जब कोरोना फैला तो पूरी विश्व में फैला। ऐसे ही मानसिकता की, दूषित मानसिकता की बीमारियां भी जब फैलती हैं तो पूरे विश्व में एक साथ प्रभाव दिखाती हैं, उससे कोई बचा नहीं रहता, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अंजना का कलंक अंजना के पहुंचने से पहले उसके पिता के कान तक पहुंच गया। पिता को लगा कि अगर इस लड़की को मैंने अपने राजकुल में, राजगृह में आश्रय दे दिया तो पूरे के पूरे विश्व में मेरी अपकीर्ति होने लगेगी, क्योंकि सबसे पहले इज्जत प्रिय है। राजा महेंद्र ने साफ साफ अपने पुत्रों से कह दिया कि ये कन्या राजमहल में प्रवेश ना करे। इतना ही नहीं, ये अपने किसी भी भाई के महल में भी प्रवेश ना करे। 100 भाई हैं। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे राज्य में अगर इस अंजना को किसी ने भी आश्रय दिया तो पहले उसका सिर का छेद करेंगे, बाद में अंजना का करेंगे। वहीं के वहीं उसको वापस कर दीजिए। जब ऐसी राजाज्ञा स्वयं अंजना के पिता ने दी, तब अंजना की दासी बसंतमाला एक ही बात विधाता से कहती है कि क्या पिता अंजना की एक बार परीक्षा नहीं कर सकते थे? सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके कितने घर बर्बाद हुए हैं। बंधुओं, आपने भी अपने घर में आग किसी रियलिटी को देख करके लगाई है कि सुनी सुनी बातों को देख करके? एक बार खुद ऑब्जर्वेशन करके खुद सोचिएगा। जब आपकी आपकी देवरानी से नहीं बनी, जब आपकी आपकी नंद से नहीं बनी, तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया ना आपने? अरे भाई, हमने तुम्हारे बारे में ऐसा सुनी थी, यही सब तुम्हारे लाने ऐसो कह रहे थे, हैं? एक बार रियलिटी टच कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच में एक बार परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा खुद स्थापित की होती, लेकिन हमारे दिमाग में तो अड़ी थी, हम रहे हैं चाहे हमारे नंद भाई रहे हैं, घर में दो में से कोई एक रहेगा। दुनिया में कितनी सारी बेटियां हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के रखा है, लेकिन उन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले बेटियों का घर के अंदर निर्वाह कठिन हो रहा। क्यों? क्योंकि भाइयों की बहुएं आएंगी, अब घर के अंदर दो मालकिन कैसे रहेगी? या तो बहू रहेगी या नंद रहेगी, तो कौन रहेगा? आप बताइए कौन रहेगा? जिसने उस घर में जन्म लिया है उसको वहां रहने का अब अधिकार नहीं है, और जो दूसरे के घर से आ रही है वो साफ साफ कहती है कि मैं इस घर में रहूंगी, ये दीदी यहां से निकलेगी बाहर तब जाकर के काम बनने वाला है, अदरवाइज 1 करोड़ रुपए, 2 किलो सोना, 3 प्रॉपर्टी, 1 दुकान, हमारे नाम लिखो और रास्ता नापो। ऐसा आपके घर में हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। हो रहा होगा, अभी चल रहे हैं कितने सारे केस, कितने सारे लोगों को पालन भारण भरण पोषण पद्धा करने के लिए रोज के 5-15-25 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। आपके घर के अंदर घटना नहीं घटी, सौभाग्य की बात है, लेकिन किसी घर में नहीं घटी ऐसा नहीं, बहुत सारे घरों में घटी है, होता है। पुरुषार्थ से कमाई, उठाई हुई कमाई, 2 महीने एक स्त्री रुकती है और चुपचाप 50 लाख लेकर के बाहर चली जाती है। पगलू स्त्रियां भी, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हमारी लड़की हाफ माइंड है, उसके बाद भी ब्याह कर दो, उसके बाद तो भारत का संविधान संभालेगा,
भारत के संविधान में है नारी शक्ति, फिर क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगाओ, केस पुट अप करो, नंद मारती है, पति मारता है, सास मारती है, सब उठा के एक साथ जेल भेज दो, फिर क्या करो, प्रॉपर्टी में कब्जा करो, फिर अपने भाई के घर में जाकर के आराम से रहो। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पाप से बिल्कुल भी भय नहीं है, अपने जीवन का, अपने बच्चों का यथार्थ ना देख करके वो हमेशा ब्लेम करते हैं सामने वालों की लाइफ पे। राजा महेंद्र ने बिना सोचे समझे पिता होने के बावजूद जब पता था कि बच्ची कितने साल तक हमारे साथ रही है, उसकी एक एक चरित्र से राजा महेंद्र का अच्छे से परिचय था, लेकिन उसके बाद भी बेटी के लिए आज्ञा निकाल दी, निकलो यहाँ से बाहर। अगर पूरे के पूरे राज्य में भी किसी ने आश्रय भी दिया, उसका भी सिर छेद कर देंगे। जब ऐसी राजा के माध्यम से जो आज्ञा प्रचारित हुई, जब बसंत माला ने सुना, तो बसंत माला अंजना से कहती है कि अंजना, तेरा पाप खिल करके सामने आ रहा है। जब आदमी गलती भी ना करे और गलती की सजा पाए, तब ये मत समझना कि वक्त खराब है, बस ये समझना कि पूर्व में ऐसा कोई कृत्य किया है जिसकी आबादा काल अभी खत्म हुई है और ये उदय में आ रहा है। निमित्त कुछ भी हो सकता है, पति भी निमित्त हो सकता है, पत्नी निमित्त हो सकती है, बच्चे निमित्त हो सकते हैं, पैसा निमित्त हो सकता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उस वक्त आप इस बात को हमेशा मान के चलिएगा बंधु, कि आपकी परेशानी का जो कारण है वो निश्चित रूप से आपका कर्म है, लेकिन वो कर्म हमेशा आपको परेशान करेगा ऐसा नहीं, उस कर्म को बदलने की ताकत है। आगम और सिद्धांत जो बड़ी जबरदस्त शब्द जैन समाज के लोगों ने सुने, दो शब्द सुने हैं ना, कि आगम ऐसा करता है, आगम ऐसा कहता है, आगम ऐसा कहता है, सिद्धांत ऐसा कहता है, इन दो शब्दों में हमने, कई समझदार लोगों ने जीवन जिया है, लेकिन मैं आपको हकीकत की बात बताता हूं कि आगम झूठा पड़ जाता है कई जगह, कई जगह सिद्धांत झूठे पड़ जाते हैं। किस जगह, जिस जगह आगम और सिद्धांत से हट करके एक और दुनिया में ताकतवर चीज है, हमने हमेशा अपने कर्म के ऊपर विश्वास किया, भैया जो बोया है सो काटोगे, इतना सत्य नहीं है जीवन में, इस सत्य को और सुधारने और संवर्धित करने की आवश्यकता है। सिद्धांत कहता है कि जो तुमने किया है उसी का फल तुमको मिल रहा है, लेकिन आगम और सिद्धांत से ऊंची चीज है भक्ति। भक्ति आगम और सिद्धांत की सारी मर्यादाओं को तोड़ करके एक ऐसा कमाल रचती है पूरी दुनिया में बंधुओं, कि भक्ति के आगे आगम और सिद्धांत दोनों फेल हैं, दोनों फेल हैं। हम ये ना सोचें कि हमारे पाप को हमी को काटना पड़ेगा, हम ये सोचें कि हम अपने पाप की ऐसी खीर बनाएंगे कि हम खुद खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे तो आनंद आ जाएगा। हमारे हाथ में वो भक्ति की सामर्थ है, हमारे हाथ में श्रद्धा की सामर्थ है, हमारे हाथ में मंत्र जाप है, हमारे हाथ में दुनिया के और भी सौंदर्य वाली चीजें हैं, जिसके सामने आगम और सिद्धांत फीका पड़ जाता है। बंधु कुछ लोग हैं जो समयसार पढ़ते हैं, दूसरी चीजों ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये बात भरी रहती है कि अरे जब साफ साफ लिखा है कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जाने सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवेद सेदी, कर्म कर्ता कर्म अधिकार पढ़ते हैं, पाप पुण्य अधिकार पढ़ते हैं, संबर आसव निर्जरा अधिकार पढ़ते हैं, लेकिन गुरु भगवंत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि 9-10 अधिकारों में सारी बातें रखने के बाद आचार्य कुंदकुन भगवान ने सबसे अंत में स्यादवाद अधिकार रखा है, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के बाद स्यादवाद अधिकार रखा है। उसमें आचार्य कुंदकुन भगवान इस बात को कहना चाहते हैं कि कर्ता कर्म आश्रव संवर निजरा मोक्ष सर्व विशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान, इन सबको मैंने समझा दिया है, लेकिन इस शब्द को सत्य मानने से पहले स्यादवाद अधिकार को और समझना। कथनचित हो भी सकता है, कथनचित नहीं भी हो सकता है, कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा नहीं भी है, आश्रव के लिए भी बोल रहे हैं। इन सब के ऊपर, आगम और सिद्धांत के ऊपर भक्ति भारी है बंधु, ध्यान रखिएगा। जब आपके पाप कहीं माथा टेकने से ना कटे, अंतरंग में मानतंग स्वामी जैसी भक्ति करिएगा, आपको लगेगा कि जीवन बहुत सहज हो गया। पुस्तकों में उलझने वाले लोग जीवन भर उलझे रहते हैं, भक्ति की नौका में बैठने वाले लोग कब पार हो जाते हैं पता भी नहीं चलता।
पुस्तकों में उलझा हुआ ज्ञानी अभी भी सोचता रहता है तुम्हारे त्रिस्थानी उदय का कर्म का उदय चल रहा है, तुम्हारा मिथ्या दर्शन चल रहा है, तुम्हारे सम्यक के अभी तीन टुकड़े नहीं हुए हैं। ज्ञानी पुरुष से भी इसी की बात करता है। और जो भक्त होता है वो भक्त इन चीजों से हट करके भक्ति करता है। कब सम्यक के मिथ्यात् के तीन टुकड़े हो जाते हैं, कब उसकी भक्ति रंग ले आती है, कब उसका पाप कट जाता है, पता भी नहीं चलता जीवन। अंजना से जब बसंत माला ने कहा कि देख तेरा पाप कैसा खिल के सामने आया कि तेरे पिता भी तेरे ना हुए, वे भाई जो जीवन भर उससे राखी बंधाते रहे, जब बुरा वक्त आया तब भाई भी काम नहीं आया। रक्षाबंधन आ रहा है बंधु, आ रहा है ना। ये जो 30 अगस्त को रक्षाबंधन आने वाला है, इस 30 अगस्त को हर भाई और बहन को मेरा आमंत्रण है इस वसुंधरा पर। किस वसुंधरा पर? बन्ना जी इससे क्षेत्र पे। हम इस बार अपनी बहन के जीवन के लिए एक ऐसा विधान का आयोजन करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। हम अपनी भाई के जीवन की सुरक्षा के लिए 31 तारीख को, 1 तारीख को ऐसा विधान करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आप अपने आने की स्वीकृतियां पहले से दीजिएगा, पहले से बताइएगा। रक्षाबंधन हमने हर बार घर के अंदर एक रुमाल बांट करके, एक मिठाई का टुकड़ा खिला करके, एक रेशम का धागा बांध करके मनाया है, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के जितने भी तमाम लोग हैं, अभी पूरा महीना बाकी है, 40 दिन है अभी रक्षाबंधन के। इस 40 दिन पहले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 अगस्त के दिन तो पूर्णिमा के कलश स्थापना का महोत्सव होगा, उसी दिन रक्षाबंधन भी होगा, लेकिन उसके 2 दिन पहले बंधुओं 29 अगस्त को, 28 अगस्त को आप सबका, पूरी दुनिया के भाई बहनों का यहाँ पर निमंत्रण है। 28 अगस्त 29 अगस्त के दिन हम अपनी बहन को लेकर के, वो हमारी बहन जो अपने पति से प्रताड़ित है, जिसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने पुत्र को नहीं पाल पा रही है, 28 अगस्त और 29 अगस्त को बन्ना जी के अस्यकारी अजीतनाथ भगवान के दरबार में ऐसा अभूतपूर्व भक्ति का आयोजन करके, विधान का आयोजन करके हम यहाँ पर उस सौंदर्य को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत और आगम से ऊंची है भक्ति बंधुओं, लेकिन हर क्षेत्र में फलित नहीं होती। कोई भी कर्म होता है वो द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की अपेक्षा रखता है। बन्ना जी के अजीतनाथ भगवान के सामने जब दुनिया भर के लोग अपनी भावनाओं का कलश रख के जाते हैं, इस बार तो सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश रखने की यहाँ पर लोग दुनिया भर के 1 अगस्त को आने वाले हैं। कई लोग ये सोच करके 1 अगस्त को आने वाले हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है, घर के अंदर मनाएंगे। लेकिन जैन हो या अजैन, आप किसी भी धर्म के मतावलंबी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 अगस्त के दिन अपनी बहन की रक्षा के लिए 28 और 29 अगस्त को आपको यहां पर आ जाना है। 28 और 29 अगस्त को हम 2 दिन में एक ऐसा अभूतपूर्व बहन की और भाई की रक्षा के लिए विधान करेंगे कि उस विधान के समोषण में जब आप खड़े होकर के अपनी बहन की रक्षा के लिए, भाई की रक्षा के लिए अपना मन बना करके जब पूजन, अभिषेक, शांति धारा करेंगे, आपको लगेगा हमारा रक्षाबंधन मनाना सार्थक हुआ। अकंपनाचार मुनि महाराज के साथ सासु मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग आया था, वो तो किसी विष्णु कुमार मुनि महाराज ने दूर कर दिया, लेकिन हमारी बहन के ऊपर आया हुआ जो उपसर्ग है, हमारी बहन के ऊपर आया हुआ जो एक प्राण घातक जो परिस्थितियां हैं, इसको दूर कोई करेगा तो इस बार बन्ना जी के अजीतनाथ भगवान के दरबार में बन। हम अगर अपने बहन की रक्षा ना कर पाए हो, बहन सामर्थ्यवान होने के बाद अपने भाई का घर ना बचा पाई हो, तो बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए 28 तारीख और 29 तारीख को 2 दिन को यहाँ पर हम विधान का आयोजन करेंगे, 30 तारीख को यहाँ पे कलशों की स्थापना करेंगे और पूरी दुनिया के तमाम भाई बहनों का यहाँ पर स्वागत है। 1 महीने के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको यहाँ पर रुकने की भी अच्छी सुविधा मिलेगी, भोजन की सुविधा तो बहुत अच्छी है ही, साथ ही साथ आपको अजीतनाथ भगवान का जो आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ का पुण्य जब फलेगा, आपको लगेगा इस बार का रक्षाबंधन हमारे लिए अभूतपूर्व रहा। हर बार हमने घर के अंदर थोड़ी सी कजलैयाँ दे करके रक्षाबंधन बनाया है, हर बार हमने भाई बहन को एक बाजार की मिठाई खिला करके रक्षाबंधन बनाया है, 500,000 रुपए दे करके सिर्फ इति पूर्ति करी है, लेकिन कभी भाई बहन के जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं करी।
इस बार क्षतिपूर्ति करना है, पहले से मानस बनाइएगा। अभी आपके पास 40 दिन है, अगले 15 दिनों के अंदर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पे आप स्वीकृतियां देंगे कि हम अपनी बहन के साथ वहां पर आकर के विधान में शामिल होंगे, हमारे लिए आप व्यवस्था बना लीजिए। व्यवस्था शुल्क आपको स्क्रीन पर ही बता दिया जाएगा, आप देख लेंगे उस चीज को। अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। कम से कम 108 भाई बहन का परिवार, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप जितना आएंगे, खेत कमेटी ने सबके स्वागत की व्यवस्था करके रखी। अभी 40 दिन है, पहले से एयर के टिकट, पहले से ट्रेन के टिकट, पहले से अपनी अनुकूलताएं, शारीरिक परिस्थितियां, पहले से आप अपने ऑफिस की छुट्टियां सब बना के व्यवस्थित रखिएगा। लेकिन इस बार दुनिया में जब 30 अगस्त मनाई जाएगी, जब पूर्णिमा मनाई जाएगी, जब रक्षाबंधन मनाया जाएगा, तो दुनिया भर के लोग कहेंगे काश हम भी अपनी बहन को लेकर के बंधा जी गजितनाथ भगवान के पास गए होते, हमने वहां पे रक्षाबंधन मनाया होता। आपको यहाँ पर कुछ और चीजें भी आश्चर्यकारी देखने को मिलेगी, वो सिर्फ मैं आपको वक्त पर बता पाऊंगा। वक्त से पहले बता दूंगा तो एक्साइटमेंट आपका खत्म हो जाएगा, कुछ चीजें वक्त के लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी बहन से प्रेम करते हैं और अपनी बहन के जीवन को संवार नहीं पा रहे हैं, तो 28 और 29 अगस्त को हम यहाँ पे 2 दिवसीय विधान करने जा रहे हैं। 30 अगस्त को पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के दिन कलशों की स्थापना करेंगे, जिसमें आप अपनी बहन के लिए, बहन भाई के लिए, परिवार के लिए कलश की स्थापना कर पाएंगे, सौभाग्य ले पाएंगे। बंधुओं, अंतिम कलश की स्थापना 30 अगस्त की है, 31 अगस्त की नहीं है। मुझको किसी लोगों ने मिसगाइड किया बीच में, मैंने देखा, फिर से वापस चेक किया, 1415 से एक साथ है। बंधुओं, 30 अगस्त को कलश की अंतिम स्थापना होगी। सितंबर माह में अजितनाथ भगवान के दरबार में कोई कलश की स्थापना आपके भावनाओं की नहीं होगी, आप पहले से अपनी मानसिकता बना के रखिएगा। 1 अगस्त और 30 अगस्त, ये 2 दिन आपके लिए निश्चित किए गए हैं। और भाई बहन के लिए तो विशेष रूप से 28 और 29 अगस्त का जो विधान यहां पर होने जा रहा है, मैं दुनिया भर के भाई बहन से कहना चाहता हूं, इस बार हमको मिल करके सिर्फ एक जगह पर रक्षाबंधन मनाना है, वो है बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार। क्षेत्र कमेटी आपके लिए बहुत मेहनत करती है, उससे ज्यादा दयालु है हमारे अजितनाथ भगवान, और अजितनाथ भगवान से ज्यादा दयालु है पूज गुरुदेव। गुरुदेव डोंगरगढ़ में बैठे, हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम ऐसा करना चाहते हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसा रक्षाबंधन बनाना है इस बार कि पूरा विश्व देखता रह जाए। हमने कहा मेरा काम है सिर्फ कहना गुरुदेव, बाकी तो सब आपके हाथ में है, आप आशीर्वाद दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस बार दुनिया की कोई भी जैन समाज घर के अंदर रक्षा ना बना करके बन्ना जी का जितना भगवान के दरबार में रक्षाबंधन बनाएगी, स्क्रीन पर आने की पूर्व स्वीकृति दी जाएगी। 26-27 तारीख तक हम आपकी पूरी व्यवस्था कर चुके होंगे, 28 और 29 तारीख को 2 दिन का विधान हम यहां पर करेंगे, 30 तारीख को यहां पे कलश की स्थापना करेंगे। आप 3 दिन की छुट्टियों का माहौल पहले से अपने जीवन में बनाइए कि 28, 29, 30 अगस्त को हमको बन्ना जी का जितनाथ भगवान और विनम सागर जी महाराज के साथ में रहना है, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। घर के अंदर तो कितनी बार रक्षाबंधन मनाया, लेकिन रक्षा सार्थक नहीं हुई। बन अंजना, अंजना के साथ बसंतमाला, जब बसंतमाला ने अंजना से कहा कि बसंत, अंजना तुम्हारे जीवन में बहुत पाप फला है, अंजना ने एक ही बात कही कि निश्चित रूप से मैंने किसी शुद्ध दिगंबर मुनि के चरित्र पर दोष लगाया होगा, इसलिए मेरे जीवन में ये पाप फला है। जब आपको आपका पति छोड़ देता हो, जब आपको आपके बच्चों से सुख ना मिलता हो, परिवार का सुख ना मिलता हो, परिजनों का धन का सुख ना मिलता हो, अंजना के वो शब्दों को ध्यान रखिएगा, हंसी हंसी में ही सही, निश्चित हमने किसी दिगंबर मुनिराज के चारित्र की अवहेलना, उपेक्षा या हंसी मजाक किया होगा। अरे बे महाराज, बे तो मजाक किया है, ऐसा आप करते हैं ना, साधु के साथ जुड़े होने पर साधु की आप समीक्षा करते हैं। कई लोग दिगंबर साधुओं की भी समीक्षा करते हैं, जो साधु दुनिया छोड़ के चले गए हैं उनके बारे में भी लोग बुरा कहते हैं, अरे ये तो सामान्य सा व्यवहार है कि जिसने दुनिया छोड़ दी है उसकी निंदा नहीं करी जाती। उसमें भी साधु, मान लो कोई साधु दुनिया छोड़ के चला गया, आप दिवंगत साधु की निंदा करते हैं, ये अपराध जब आपके जीवन में फलके आता है तो अंजना के जैसा जीवन में परिस्थितियां घटित होती हैं। हमने की हैं क्या? नहीं की तो बहुत अच्छी बात, की है तो अभी उपाय है।
वक्त है, क्या है, अभी आकर के अपन उसका प्रायश्चित करते हैं। पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, गुरुवर से कहेंगे महाराज हमने इसी जन्म में किसी साधु की निंदा की है और वो निंदा का पाप हमने अपने जीवन में भोगने की सामर्थ्य नहीं है, आप हमें प्रायश्चित दे दीजिए। आचार्य सी जी के पास जाना चाहिए इस बात को लेकर के, क्योंकि प्रायश्चित देने का अधिकार तो पूज्य गुरुवर को ही है। हम जैसे सामान्य मुनि तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि इस रास्ते से अपने जीवन का सौंदर्य बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। वो अंजना बसंतमाला से कहती है कि मैंने किसी शुद्ध दिगंबर मुनि के चरित्र पर दोष लगाया होगा या फिर किसी बच्चे को उसकी माँ से जुदा किया होगा, तभी मेरे जीवन में इस तरीके का पाप फल रहा है कि ना मुझे पति मिल रहा है और मेरे पुत्र को इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बियाबान जंगल में रहना पड़ रहा है। जब आपको आपका पति ना मिल रहा हो, जब आपको आपके परिवार का साथ ना मिल रहा हो, तब आप समझिएगा आपने भी ऐसा कुछ किया है। आपने किया है कि नहीं? नहीं किया महाराज, बहुत अच्छी बात। लेकिन अपने अंतर मन में एक बार यहाँ पे हाथ रख के पूछेगा, क्या मैंने शुद्ध चरित्र के मुनि की निंदा नहीं करी? महिलाएं जब शाम को बैठती हैं तो गांव में रहने वाले साधु साध्वी भगवंतों की भी समीक्षा करती हैं, क्योंकि उनको समीक्षा करने में मजा आता है। बे महाराज कैसे हैं? बे महाराज तो बहुत ही मौन से रहे। जे कैसे आए? 5 नंबर कैसे हैं? 4 नंबर कैसे हैं? 7 नंबर कैसे हैं? 9 नंबर कैसे हैं? 10 नंबर की आरिकाएँ कैसी हैं? बे आरिकाओं की उसमें सबसे नंबर चलता है। बे कैसी आए? भैया बे तो अब कह वो ही छोड़ दो, अब क्या बताएं, दिन भर बैठे रहे, भीड़ ही भीड़ लगी रहे तो उनके पास। बड़े कैसे हैं? बड़े की तो बात ही नहीं है, बिने बस पैसा ही पैसा दिखात, जब देखो बे पैसे ही की बात करत। ऐसे पन ने कितनी बार ऐसे साधुओं की समीक्षा करी है? करी है कि नहीं? अगर करी है और उस कर्म को बांध लिया है, आबादा अभी उदय में नहीं आ रही, आबादा काल चल रहा है, लेकिन वो पाप जिस दिन उदय में आएगा, उस दिन घर के पिता धक्का मार के अपनी बेटी को जब बाहर करेंगे, निकल बाहर, कुछ नहीं है यहाँ पे तेरे लायक, तब याद करिएगा इस बात को। किसी दिगंबर साधु की शुद्ध चरित्र पर आक्षेप लगाया होगा, निंदा की होगी, ये उसका परिणाम है। बहुत रूपवती कन्या है, छोटी सी बच्ची अकेले पाल रही है, रूपवती है, अबला है, अलग बात, लेकिन उसने सबल अवस्था में कौन सा पाप किया है ये तो उसको भी नहीं पता। आज जब पाप भोगती है, अरे महाराज रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से कुछ नहीं होता है, या तो भक्ति करिए या प्रायश्चित करिए, माला फेरिए, जप करिए, अजितनाथ भगवान की शरण में आइए। मैं तो एक बार आया तो मुझे लगता है कि बस पहली बार जैसे किसी भगवान से मुलाकात हुई है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, उनके ऊपर पहले तो विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे गुरु को उन पर खूब विश्वास था तो उनके ऊपर विश्वास जमाया। देखा, अरे आचार्य सी जी कुंडलपुर के बड़े बाबा पे इतना विश्वास करते, इतना विश्वास करते हैं। उस दिन जब पहली बार गुरुदेव की आंख में आंसू देखे, तब समझ में आया कि किसी प्रतिमा से प्रेम क्या होता है। तब समझ में आया कि किसी प्रतिमा के अस्तित्व जब किसी साधक को दिख जाते हैं तो भी साधक कैसा उस प्रतिमा के लिए पागल होता है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग उस पागलपन को भी महसूस करिए जो पागलपन मेरे दिमाग पे हावी है, क्योंकि मैं तो भगवान जी के साथ 24 घंटे रहता हूँ, मुझे तो सब दिखता है, सब दे भी रहे हैं वो मुझे, और मुझे देने के साथ साथ बोलते भी हैं कि तुमको दिया तो जा रहा है लेकिन तुम उसको रखना मत, बांटते चले जाना। जब तक दैवी संकेत नहीं मिलते हम कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करते। इस बार 28 और 29 अगस्त को 2 दिन का विधान पूरी दुनिया के भाई बहन बनदी क्षेत्र पर करेंगे। उसके लिए आप 22 अगस्त से पहले पहले तक आने की सूचना दे चुके होंगे। अगर आप ये सोचें कि एंड टाइम में आकर के हम विधान में शामिल होंगे, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। बाद में इस बात का अफसोस होगा कि हम चूक गए। घर के अंदर तो रक्षाबंधन कभी भी मना लेंगे बंधुओं, 28, 29 और 30 तीन दिन का समय लेकर के आपको इस क्षेत्र पर आना है, पधारना है। अभी से अपना विचार बना के रखिएगा। बसंतमाला से अंजना ने ये छोटी सी बात कह दी कि 2 में से कोई एक पाप तो मुझसे हुआ है। तब तो गोदी में पालने वाली माँ जिसने अपने छाती पे लगा करके दूध पिलाया था, उसको भी मेरी बात पे विश्वास न हुआ। वो पिता जो मुझे 100 भाइयों से ऊपर चाहते थे, वो भी मुझे कलंकित कहकर के मुझे भगा दिया, वहाँ से बाहर कर दिया। अब तो सिर्फ एक ही शरण बाकी है
कि धर्म की शरण के अलावा संसार में कोई भी शरण नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे आदमी को धर्म दिखाई देता है? बंधु, डॉक्टर बना कर देता है तो फिर सीधे भगवान नजर आते हैं, या तो गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज नजर आते हैं। जब बोले डॉक्टर फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया है, आज गए कि कल गए, फिर पूछते हैं कक्का अब का करने, कक्का सोच सोच बोलते भैया एक बार आचार सी के दर्शन करा दो। अच्छा चलो, वेंटिलेटर की बैन पे बैठाया कक्का को, दो ईसीजी ठुकाई, एक सामने एक मास्क लगाया, उसमें साय 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 आवाज चलती हुई गाड़ी पूरी रात भर चली, सुबह जाकर के डोंगरगढ़ में आचार्य जी के सामने खड़ी हो गई। अब क्या है? आचार्य जी हमारे पिताजी को फोर्थ स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर ने मना कर दो। अब पिताजी कह रहे हैं आचार्य जी को गंदोदक मिल जाए सो ही हमारी गति सदने आए। आचार्य जी तो 55 साल पुराने महातपस्वी और तेजस्वी, वे आपके पिताजी के पास गए, पिताजी से बोली, बच्चे ने कह दिया साफ साफ फोर्थ स्टेज का कैंसर है, मना जी डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला घर ले जाओ। आचार्य जी उसके ऊपर भी दया करके क्या बोलते हैं, लेटे है उस स्ट्रेचर पे 50 घंटे में मरने वाला है, गुरुदेव उससे बोलते हैं काम करो, चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग कर दो। हाँ महाराज हम कर दे, लेकिन अब वो लेटे लेटे बोलता लेकिन लेकिन का रात में गोली खाने आउत, गोली नहीं खाए तो छाती में जलन सी होत। आचार्य सी बोल रहे हैं चार प्रकार के आहार का सूर्यास्त के बाद त्याग कर दो। जिसने मान लिया, आप आश्चर्य मानेंगे बंधुओं, तेजस्वी गुरुओं की क्या कृपा होती है। आंखों देखा उदाहरण है मेरे सामने, जब डॉक्टर ने मना कर दिया, बंबई से गाड़ी पैक होकर के डोंगरगढ़ में उतरी, गुरुदेव से कहा, 2011 की बात बता रहा हूं आपको, कि इनको फोर्थ स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर ने मना कर दिया। आचार्य जी ने कहा चार प्रकार के आहार का त्याग कर दो, ब्लड कैंसर है और साथ साथ पेट में भी लीवर में एक फोड़ा हो गया है, चार प्रकार के आहार का त्याग कर दो, बस हो गया, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। एक तेजस्वी पुरुष की बात मानने पर व्यक्ति 13 साल जी गया। डॉक्टर बोलता ना कुछ नहीं होगा, अब गए कि तब गए, गया प्रसाद राम प्रसाद ऐसे होने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया। तेजस्वी गुरुओं की बात कैसे लगती है, जिनकी साधना चरम पर पहुंची हुई है, जिनके शुद्ध अपने उपयोग में रहने वाले वे महापुरुष जो रत्नत्रय का निर्दोष पालन करते हैं, वो हमको कुछ भी कह दें, कह तो दें, सौभाग्य है हमारा। आपका पाप आपने जीवन में खूब किया बंधुओं, लेकिन प्राश्चित लेने के लिए गुरुदेव के दरबार में धोकर जरूर खाइएगा। पर्याय छोड़ने से पहले प्राश्चित करने के बाद जब आप जाएंगे तो अगली पर्याय जो नारकी की मिलने थी, जहां पर 33 सागर की अधिकतम आयु और कम से कम 10,000 वर्ष तो दुख भोगना ही भोगना था, उन सब की आयु की पूरी काट है, तो दुनिया में सिर्फ एक संत के पास जिसका नाम विद्यासागर जी महाराज है। हमने हजारों लोगों को देखा आंखों में साथ में रहते रहते, 19-20 साल जब गुरुवर के साथ रहा, मैंने देखा कि लोग अपने गहनतम पापों को मुख से कह देते, रोते रोते महिलाएं कह देती, पुरुष कह देते, दोनों मिलके कह देते। आचार्य जी छोटे छोटे उपवास व्रत नियम संयम व्रत माला जाप इत्यादि दे करके उनको संतुष्ट कर देते। आचार्य जी भी जब कभी कमरे के अंदर पूछा गुरुवर से कि गुरुवर कैसे इन लोगों को प्राश्चित से मुक्त कर देते हैं, तो बोलते हैं मैं भी सोचता हूँ कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझे दायित्व दिया था, ये निर्दोष पल जाए और इन लोग की पूरी जीवन नौका यहाँ से बाहर निकल जाए, नहीं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, केवली क्या कहेंगे, ऐसे शब्द रहते हैं पूज गुरुवर के। ऐसे महान गुरु हमारे जीवन का सौंदर्य बने हैं, उनको आहार दान देने का, दर्शन करने का, पूजा करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके द्वारा बनवाए निर्माणाधीन तीर्थ क्षेत्रों पे हम अपने दान का द्रव्य का उपयोग कर पाते हैं, कितना सौभाग्य है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद गुरुदेव ने जब पहली बार अजीतनाथ भगवान को देखा तो उन्होंने खुद कहा ऐसी तेजस्वी प्रतिमा ना भूतो ना भविष्यति। अभी कमेटी गई थी, कमेटी से भी 20-25 लोग गए, कमेटी से एक बात गुरुवर ने कही, अभी आप अजीतनाथ भगवान को जानते नहीं है, जिस दिन अजीतनाथ भगवान को जान जाएंगे उस दिन लगेगा कि अपना पूरा घर का कुनबा भी उनके ऊपर न्योछावर कर दिया होता तो कम था। अभी तो भगवान
कलशों के माध्यम से दुनिया के लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भगवान कुछ और देना शुरू करेंगे, क्या देंगे वो तो गुरुदेव जानते हैं और अजितनाथ भगवान जानते हैं। हम जैसे तो छोटे छोटे निमित्त मात्र हैं बंधु, बैठे रहते हैं बीच में। सामान्य मुनि क्या असामान्य काम करेगा? असामान्य मुनि ही तो असामान्य काम करेंगे। वो डोंगरगढ़ में बैठ करके बन्ना जी का अजितनाथ भगवान को उनकी महिमा को जन जन को बता रहे हैं। प्रणाम करता हूँ ऐसे गुरुवर के चरणों में बारम्बार। आप भी झुकिए, आप भी माता झुकाइए। और साथ ही साथ ये भावना भाइये बंधुओं कि अंजना ने जिस तरीके का अपराध किया है, वो जो खुद अपने मुख से कह रही है कि किसी निर्दोष मुनि के चरित्र पर मैंने कलंक लगाया होगा, उसके बारे में बुरा कहा होगा, आपने अगर कहा है तो गुरुवर के पास जाकर के प्रायश्चित लीजिएगा। अगर आपने किसी माँ बच्चे को जुदा किया है तो प्रायश्चित लीजिएगा। माँ बच्चे को कैसे जुदा किया है? कई माँ ने अपने पेट में ही अपने बच्चों को जुदा कर दिया है DNC करा करके, और कई लोगों ने केस करके। बच्चा पापा के पास रहता है या माँ के पास रहता है। किसी भी व्यक्ति को हृदय में हमने किसी निमित्त से अगर आर्ध ध्यान पैदा किया है, उसका अपराध जब हमारे जीवन में फलीभूत होगा, उस वक्त हम क्या करेंगे बंधु? दुनिया के दो बड़े प्रॉब्लम्स, पहला पति और पत्नी के बीच में, दूसरा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। अगर आप इसको सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपराधी हैं। कथानक आपका समय ले गया, कल पुनः प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं, आप अपनी दूसरी तैयारियां करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि बन्ना जी का अजितनाथ भगवान पूरी दुनिया को सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें और गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों के विराम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हों धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचन।